अरे हम विधायक जी को अपने अवगत करा दिए हैं आप लोगों की मांग। हम विधायक अब सबसे पानी ऊंचा हो गया है। आप भाजपा के नेता है, भाजपा जैसे दोगली सरकार आज हमने नहीं देखा है। भैया इनका घेर लियो, तुम इनका कसके ना घेर लिए, तो भाजपा ये तो होंगे। मैं वोट मांगा ये नहीं तो सबसे पहले पहुँचा। अगर ये हमारी मांगे पूरी करते हैं तो 27 में ताज पहनेंगे, नहीं तो जैसे पैरवा पे पड़ते उठिया मांगने के लिए ना वैसे पैरवा पकड़ेंगे हम लोग का। भागो ना हम लोग क्या कर रहे हैं, 2027 का इंतजार कर रहे हैं। 27 का इंतजार उस दिन हम लोग भी अपना फाटक बंद करके अंदर सो जाएंगे। अभी भी मौका है, हाथ जोड़ लो, अभी मौका है। मीडिया कैमरा चालू है, निकल जाओ, हम कह रहे हैं अभी मौका है, कोई तुमको छेड़ेगा नहीं। और कैमरा बंद होने के बाद में जिम्मेदार खुद हो। नमस्कार आदाब, इस वक्त हम इको गार्डन में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी महिलाओं का धरना चल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुरुष आए हैं वो आपस में बहसबाजी हो रहा है। देखिए किस बात को लेकर बहसबाजी हो रही है। ये भाजपा में है जी, ये भाजपा में भाजपा के नेता यहाँ क्या कर रहे हैं आंगनवाड़ी महिलाओं के बीच में? यहाँ हमारे गाँव की कुछ महिलाएं हैं, हमारे सेक्टर में 40 महिलाएं आंगनवाड़ी की हैं। आपके सेक्टर में 40 महिलाएं? 40 महिलाएं हैं। जो सदस्यता अभियान जो इस समय चल रहा है पार्टी का वाला सदस्यता अभियान, वो इतनी आक्रोशित है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाओं सहायिका की सदस्यता अभियान में काम नहीं करने देती हैं। इसलिए मैं भी मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इनका 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 वेतन करें या इनका मानदेय बढ़ाएं, नहीं तो हम लोगों को बड़ी समस्या है। जाइए योगी जी से कहिए, आप यहाँ कहाँ बोल रहे हैं? योगी जी का कहाँ हेरी, अब यहाँ मिल गया, अब यहाँ पर ये लोग मिले हैं, कहा था कि तही हमारे संति आपो कहो, तो अब हम उनका कहाँ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बृजनाथ पाठक। पाठक जी हैं जी, तो पाठक जी यहाँ काहे के लिए आ गए हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे गांव की है आंगनबाड़ी, वो लोग बुलाए थे, ये सब गुस्से में है, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए आपके साथ। ये सब लड़ झगड़ रहे हैं बड़ी देर से, हमको पकड़े लड़ रहे हैं। ना पैसा राज्य सरकार 50 रुपया दिए थी, 50 काम लिए थी, और मोदी बाबा 150 रुपया दिए थे, तो उनके तो काम के दर्जन है, और दू जिन्हें मिला 200 रुपया दे पावत है, अतना ताकत लगाई के तब 200 रुपया दे पावत है। और उनके साथ में जैसे चुनाव आई कहीं घबराओ ना, हम लोगों का यहाँ झूले लाल पार्क में बुलाए राजनाथ सिंह, कहीं आइए झूलेलाल पार्क में, और यहाँ गवर्नमेंट थी अखिलेश की, कहीं अगर हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बना दीजिए फिर देखिए आपको सम्मानजनक वेतन और फलाना ढमाका इतना ढेर सारा। और जब इनका वादा नहीं रहा है झूलेलाल पार्क में हम लोगों से वादा किया। मांग पत्र आप मांग रहे थे ना, आंगनबाड़ियों का मांग पत्र मांग रहे थे, वो ये हम लोगों का मांग पत्र है। अच्छा यही है आपका? हाँ, ये आंगनबाड़ियों का मांग पत्र, भर्ती तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, और भी बहुत सारे आंगनबाड़ी मतलब अलग अलग है। तो आप बता रहे थे भैया, हम बताइए आपसे, ये जो है तो ये छोट नेता है, छोट नेता राजनाथ सिंह, कमल किशोर, कौशल किशोर, कौशल किशोर कहे थे, वादा किए थे, घोषणा पत्र में डाले थे सम्मानजनक वेतन देंगे, सब चला गया, इनके कौन औकात है? ये क्या करी है ये फटर फटर? हम अपने कराए, हम अपने विधायक इन लोगों की मांग सदा यही हो रहा है, ये जहाँ जाते हैं क्षेत्र में ये भगाए जाते हैं। बनाए जब पूरी पूरी दलिये काली है तब मुँह काला होकर बात छोड़ दियो। हाँ, पूरे केले मिल गए तो इनका का धरा लिया, कहा सब जने। अब अगर आपका घोटाला देखा है तो ब्लॉक पर जाओ देखो, ग्राम सभा के स्तर पर देखो लोगों का। इनका तुम ना बोलो, फंस गए, इनका कही थे भैया या तो गए तुम ना बोलो, इनका कही थे भैया या तो मानदेय बढ़वाओ या गाँव में लौट के सदस्य अभियान कर अरे हम विधायक जी को अपने अवगत करा दिए हैं आप लोगों की मांग। हम विधायक अब सबसे पानी ऊंचा हो गया है, या आवा सपा में ज्वाइन कराओ, दूसरी पार्टी में ज्वाइन कराओ, और ये क्या छोड़ दो भाजपा? हमारे कहे के लिए पकड़े हो भाई, हमारे विधायक जी भी ये भाजपा वाले पकड़ में, हमारे विधायक जी ने भी काम करो। अरे चाची रहने दो, हमारे कहाँ भाजपा के नेता है ये, भी आश्वासन दिया है, आप भी मांगो आश्वासन दिया है। आप ये बताइए, आप भाजपा के नेता है, भाजपा जैसे दोगली सरकार आज हमने नहीं देखा है, भैया आज तक हमने नहीं देखा भैया। अरे ये आंगनबाड़ी का भाजपा यशोदा मैया बना दिए, अरे सुनिए ये आंगनबाड़ी का इनके नेता यशोदा मैया बना दिए, और दूध मक्खन सब अपने खाए जाते हैं, ये हाल है इनका। माफी मांगो यार, तो आश्वासन मेरे विधायक जी ने दिया है और कहा आश्वासन से पेट भरा।
हम इनसे यही पूछना चाहते हैं कि आश्वासन से पेट भरा है, आपकी हमारा पेट भरेगा 110% आपसे काम लेना चाहते हैं, प्रोत्साहन राशि तब दे। हाँ, प्रोत्साहन राशि तो हम लोग को ये इनसे पूछे क्या इनकी सरकार 100% काम कर रही है। आज से 2027 में वोट मांगे ना, वोट ना मांगे आए भाजपा सरकार में बहुत आंगनबाड़ी का शोषण हो रहा है, कुछ नहीं जितने हैं जितने हो पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार इन लोगों की मानदेय बढ़ाएगी। दादा दादा सुन लो, आप जैसे जितने भी हैं मोदी भक्त योगी भक्त, आप जो सपा में आ जाइए, मेरा दावा है आंगनबाड़ियों का किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे, किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे हम, इसलिए नहीं लेंगे कि कोई भी पार्टी हमारे लोग का ध्यान नहीं देती है, जो भी आती है सिर्फ काम लेती है। हम लोग समझ लिए 2007 माफी मांग लो, तो माफी यहाँ आ गए हो, माफी मांग। अरे आप लोग अपने नेता से कहा है, नेता से कहा है, अरे नेताओं तक पहुँचाए कहा, जवाब तुरंत चाहिए। इनका घेर लियो तुम, इनका कसके ना घेर लिए, यही तो भाजपा यही तो होंगे। मैं वोट मांगा ये नहीं तो सबसे पहले पहुंचा का योगी जी हमारे फिर वोट मांगे नहीं जाते, यही जाते हैं यही लोग, यही लोग यही लोग जाते हैं वोट मांगे, कोई दूसरा नहीं जाता। तुम्हें वोट मांगे क्या होता है, सात घोड़ा गिर जाइए ठाड़े गम से ले नहीं गिरी है, अब उसके बाद वोट जहाँ यही है, इसके बाद फिर भूल जाएंगे कि हम आंगनबाड़ी बहने भी हैं, उनके भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी खर्चा, इनसे पूछते हैं 6,000 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण कर लेंगे। तुम यहाँ आए क्यों यार, अगर ये हमारी मांगे पूरी करते हैं तो 27 में तो ताज पहनेंगे, नहीं तो जैसे पैरवा पे पड़ते उठिया मांगने के लिए ना वैसे पैरवा पकड़ेंगे हम लोग का, ये जान लीजिए। और इससे तो सच के लोग बोल रहे हैं, बाद में फिर समझ लेना, अभी सीरियस होने का टाइम आ जाएगा 27 से पहले, तब तक बढ़वा देंगे ये, तब तक कह के पीएम सीएम से कह के बढ़वा देंगे। अभी बढ़वा दे, हमारी बहने गई है वार्ता में, तब मैं समझू इनको, अभी ये बढ़वा दे, गई तो है लेके आए मान सम्मान जनक हम लोग का मांग रहे हैं। हम ब्लॉक में जाते हैं जब वोट मांगने के लिए, तो वो का सदस्यता वाला है, सदस्यता अभियान चलावत है और इनका घेर ले चारों तरफ से बता रहे हैं। ये नहीं हम कह रहे, ये कोई भी वो चलाए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी मांगे इनकी सरकार क्यों नहीं आज तक पूरी की, इनसे वादा झूठा हम लोग से बात पे वार्ता कर करके इन्होंने आज तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी की, तो नहीं की। हम कह रहे हैं हम लोग की एजुकेटर बन कर रहे हैं, हम लोग भी 2027 का ही इंतजार कर रहे हैं, जैसे हम लोग भागो ना भागो ना, हम लोग 2027 का ही इंतजार कर रहे हैं, 27 का इंतजार, उस दिन हम लोग भी अपना फाटक बंद करके अंदर सो जाएंगे, हम लोग अभी भी मौका है, हाथ जोड़ लो, अभी मौका है। अरे तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ कर हाथ जोड़ रहे हैं, समय इनके हाथ जोड़े से कोनो फायदा है, कोनो फायदा नहीं है, अब फायदा क्या निकलेगा, अब फायदा खत्म हो गया, फायदा निकल सकता है आएंगे अपने नेताओं से, कितना गिड़गिड़ा रहे हैं बेचारे, कितना गिड़गिड़ाने को, हम लोग भी तो गिड़गिड़ा रहे हैं 2017 से, हम लोग को क्या मिला, चलो ठीक है भाई, क्या मिला। खैर देखिए, क्या नाम है भाई साहब आपका, बृजनाथ पाठक, अभी मीडिया कैमरा चालू है, निकल जाओ, हम कह रहे हैं अभी मौका है, कोई तुमको छेड़ेगा नहीं, और कैमरा बंद होने के बाद में जिम्मेदार खुद हो, खुद हो, हम सही बता रहे हैं, मौका अच्छा है, कैमरा चालू है, कोई बोलेगा नहीं। भाई साहब क्यों आप वादे पे आते, वादे के नाम से तो दिमाग खराब होता है, वादा की बात ना करो, वादा क्या बात होती है जी, नहीं हम लोग का हाथ में जियो चाहिए, शासन हमें तुरंत जियो ले आकर दे, जिससे हम लोग का पेट भरेगा, जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण होगा। बस देखा, यहाँ गर्मा गया, खैर बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक।